हम बात कर रहे हैं HBL पावर की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो हमको इसमें 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, 380 के लेवल से बाउंस बैक हुआ, अगेन हमको रिजेक्शन देखने के लिए मिला 480 के आसपास से, 440 तक की गिरावट, अगेन यहाँ से एक जंप आया है और 500 के लेवल से रिजेक्शन लिया है, अगेन 440 के तक की गिरावट हम देख सकते हैं। 440 का लेवल इसका एक तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसी लेवल से अगेन स्टॉक ने बाउंस बैक होता हुआ हमको नज़र आ रहा है और हम देख सकते हैं कि स्टॉक में हमको बड़ी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से स्टॉक अभी 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ से हमको रिजेक्शन फेस करता हुआ नज़र आया था इससे पहले 500 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करने के पूरे पूरे चांसेस HBL पावर में बने हुए। बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 480 का लेवल और 440 का लेवल इसके तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 440 का लेवल जब तक इसके ऊपर है बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। आने वाले ट्रेडिंग डे में हमको 500 तक का जम देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना, स्टॉक को ब्रेकआउट करने देना, इसके आसपास हमको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जोन है, तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, रिजेक्शन लेके अगेन गिरावट दिखा सकता है, लेकिन ब्रेकआउट के ज़्यादा चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 500 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 520 का लेवल और आने वाले दिन में हमको इसमें 540 से लेकर 550 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में ही HBL पावर दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय और सेल की सलाह नहीं है।